हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे भाई लोग का कमेंट आ रहा है और पर्सनली मैसेज भी कर रहे हैं कि भैया अभी मेरा मॉक टेस्ट में 35 मार्क्स, 40 मार्क्स, 50 मार्क्स आ रहा है, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, अभी मैं क्या करूँ कि मेरा भी मार्क्स 60 प्लस 70 प्लस मार्क्स आ जाए। तो दोस्तों, आप लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं। देखिए, बहुत सारे भाई लोग अपना अपना मजबूरी बता रहे हैं कि भैया मैं पहले से प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं कर पाता था, क्योंकि घर का इकोनॉमिकल स्थिति उतना ज़्यादा ठीक नहीं था कि मैं पूरा प्रॉपर तरीके से स्टडी कर पाऊँ, पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता था। तो देखिए, बहुत सारे भाई लोग का ऐसे जेन्यून प्रॉब्लम है, ऐसे जगह पर हम लोग भी रहते तो हम लोग भी प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं कर पाते। दोस्तों, आप लोग ये सौभाग्यशाली मानिए कि आप लोगों को इतना अच्छा समय आप लोगों को मिल रहा है, अपने परिवार का सपोर्ट मिल रहा है, आपका इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक है, अगर फिर भी अगर आपका जॉब नहीं हो रहा है ना, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे भाई लोग हैं जिनका घर का इतना स्थिति ख़राब है ना, क्या बताऊँ, वो लोग मैसेज करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, लेकिन क्या किया जाए। तो दोस्तों, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, ग्रुप डी का एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो अभी आप लोगों को दोस्तों ऑनलाइन प्रैक्टिस है ज़्यादा करना चाहिए। अगर आप अभी भी दोस्तों अगर आप लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस है नहीं कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। तो दोस्तों, टेक्स्ट बुक लाया है महाधमाका ऑफर गोल्डन गुड बाई सेल, जिसकी वैलिडिटी दोस्तों 15 से 17 जुलाई तक रहेगी, जहाँ पे दोस्तों जो 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन था उसकी वैलिडिटी को 6 महीना एक्स्ट्रा बढ़ा करके 18 मंथ कर दिया गया है, वो भी मात्र 399 रुपये में। अगर दोस्तों यहाँ पे अगर मेरा कूपन कोड SIR अप्लाई करेंगे, तो यही दोस्तों पास आपका 375 रुपीज़ में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस ऐप का लिंक आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, जहाँ से इनके पास को आसानी से परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों, इनके सब्सक्रिप्शन को एक बार लेने के बाद अब कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करें, SSC, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो दोस्तों यहां से आप इनके मॉक टेस्ट को दे सकते हैं। और RRB ग्रुप डी के लिए दोस्तों टोटल जो स्टूडेंट्स अभी 27 लाख+ स्टूडेंट्स अभी इनके सब्सक्रिप्शन को ले चुके हैं और यहाँ पर दोस्तों ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं, तो आप लोग भी दोस्तों क्यों पीछे हट रहे हैं, जल्द से जल्द इनके सब्सक्रिप्शन को लीजिए और अपने तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको जो चीज़ बताऊंगा ना, बस आप उतना ही चीज़ अगर आप फॉलो कर लेते हैं, उतना ही चीज़ अगर पढ़ लेते हैं, तो दोस्तों आपका भी मार्क्स आपका 60, 65 प्लस 70 प्लस मार्क्स 100% आएगा। दोस्तों ये लिख कर ले लीजिए, तो आप लोग घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस जो आपको मैं बता रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है। और दोस्तों ये चीज़ आपको ऐसा नहीं कि बस जिनका मार्क्स अभी कम आ रहा है उन्हीं को फॉलो करना है, जिनका मार्क्स अगर दोस्तों अभी भी 70, 75 प्लस आ रहा है उनको भी दोस्तों ये चीज़ फॉलो करना है, वो अगर फॉलो करते हैं तो दोस्तों उनका मार्क्स और ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, समझे कि नहीं। तो दोस्तों अभी आप लोगों का जो समय है ना, इस समय को दोस्तों अच्छा तरीके से यूटिलाइज़ कीजिए। देखिए, आपके पास मैं मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशानी है, इकोनॉमिकल कंडीशन थोड़ा ख़राब है, जिसके कारण आपको पार्ट टाइम जॉब करना पड़ रहा है, लेकिन दोस्तों मैं आप लोग को यही एडवाइस देना चाहूँगा कि प्लीज़ अभी आप लोग पार्ट टाइम जो जॉब कर रहे हैं या जो दूसरा काम स्टडी के अलावा कोई भी दूसरा काम कर रहे हैं, उस काम को दोस्तों अभी ब्रेक लगा दीजिए और अभी स्टडी पे फोकस कीजिए, समझे कि नहीं। क्योंकि दोस्तों अगर अभी आप स्टडी करेंगे, अभी से भी दोस्तों सिंसियर वे में पढ़ाई करेंगे ना, तो आपका दोस्तों अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो दोस्तों आप समझ सकते हैं जो आप इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं ना, वो मेहनत आपको फिर दोबारा नहीं करना पड़ेगा, लेकिन नहीं तो दोस्तों आपको पूरा ज़िंदगी भर दोस्तों वही काम करना पड़ेगा। तो क्यों ना दोस्तों अभी से आप लोग सीरियस हो जाइए, क्या कीजिएगा दोस्तों, परेशानी होती है, कठिनाई हर इंसान के जीवन में होता है, थोड़ा परेशानी ही होगा, लेकिन दोस्तों आप लोग प्रॉपर तरीके से अभी स्टडी पर भिड़ जाइए, कोई भी जो काम है उस काम के लिए मना कर दीजिए, कोई नहीं दोस्तों, आपको 1 से 1.5 मंथ ही दोस्तों आपको मेहनत करना है, उसके बाद दोस्तों आपका लाइफ सेटल हो जाएगा। स्टडी के अलावा जो भी काम है ना, उस काम को दोस्तों अभी स्किप कीजिए, प्रॉपर तरीके से स्टडी कीजिए, समझे कि नहीं। नहीं तो दोस्तों आपको पूरी ज़िंदगी दोस्तों आपको समाज के ताना मार सुनते रहेंगे, आपको जो काम अभी मेहनत वाला काम कर रहे हैं वो काम आपको हमेशा के लिए करना पड़ेगा। तो दोस्तों क्यों नहीं दोस्तों आपको बाद में पछतावा ना आए कि मैंने अगर इतना चीज़ अगर कर लिया रहता उस समय तो मेरा भी सिलेक्शन हो गया रहता और मैं भी रेलवे में जॉब अभी कर रहा होता। टेंशन मत लीजिए कि मेरा मार्क्स इतना 35-40 मार्क्स ही आ रहा है। दोस्तों आप लोग को हार नहीं मानना है, अभी भी आपके पास वक्त है, इस वक्त में दोस्तों अपने आप को झोंक देना है। इसलिए इस वीडियो में आपको मैं क्या बताने जा रहा हूँ, ये बात आपको ध्यान में रखना है और इस बात को दोस्तों अमल करना है। ये नहीं कि दोस्तों आप लोग बस वीडियो देख लिए और उस काम को किए ही नहीं, तो फिर आपका दोस्तों इतना ही मार्क्स रहेंगे और आप डिप्रेस्ड ही रहेंगे। तो आप लोगों को दोस्तों डिप्रेस नहीं होना है, पॉजिटिव माइंड के साथ आपको इतना ही चीज़ फॉलो करना है। तो दोस्तों देखिए, आपका मैथ, रीजनिंग, साइंस और करेंट अफेयर, इस चारों टॉपिक पे आपको ध्यान देना है, जिनका मार्क्स अभी 35-40-50 मार्क्स आ रहा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, उन लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, उनके पास इतना ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट किए नहीं है कि वो ज़्यादा मार्क्स ला सकें, और उनके पास अभी ज़्यादा इतना समय भी नहीं है कि आप सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं उसके लिए दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। हम कहते हैं दोस्तों उतना ज़्यादा मेहनत उसमें करने जाएंगे, पूरा चीज़ पढ़ने जाएंगे, इससे बेटर है कि जो जेन्यून चीज़ है उसी को पढ़ लीजिए और अपना सिलेक्शन लीजिए। आपको सिलेक्शन लेने से मतलब है, समझे कि नहीं। अगर आपके पास समय है तो आप दोस्तों पूरा सिलेबस पर कवर कर सकते हैं, ये नहीं आपको मना नहीं कर रहा हूँ। अब दोस्तों बात आती है,
कि आपको क्या चीज़ करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो ग्रुप डी का एग्जाम है ये दोस्तों टीचर्स कंपनी के द्वारा ही कंडक्ट कराया जाएगा। तो दोस्तों टीचर्स अगर ग्रुप डी का एग्जाम ले रहा है तो जरूर ही दोस्तों प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर 100% पूछेगा। और आपको जैसा पता है कि ग्रुप डी का जो एग्जाम 2018 का एग्जाम था वो टीचर्स के द्वारा ही कंडक्ट कराया गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट करेगा। अगर क्वेश्चन बैंक में ही कमांड कर लिए ना, क्वेश्चन बैंक कोई पढ़ लिए ना, तो दोस्तों आप 60+ मार्क्स आप इसी से ला सकते हैं, कोई इसमें डाउटें नहीं है। दोस्तों आपके पास यूट कंपटीशन का बुक ले लीजिए, कोई भी दोस्तों अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो क्वेश्चन बैंक को ले लीजिए। और आपको दोस्तों मोस्टली यही करना है कि हमको क्वेश्चन बैंक को ही कवर करना है। मैथ रीजनिंग और साइंस के लिए दोस्तों आप यूट कंपटीशन का बुक ले आइए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो प्लीज़ आप उस बुक को ले आइए। इसी तीनों बुक को आपको पूरा अच्छा तरीके से कवर कर लेना है। इसी का जितना बार हो सके उतना बार रिवीजन कीजिए। और करंट अफेयर्स बचा तो करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों आपको एसपीडी का बुक पढ़ना है। देखिए दोस्तों ये चारों बुक आपके पास होना चाहिए और इसी चारों बुक को दोस्तों आप लोग चाट जाइए, समझे कि नहीं। इसके बाद दोस्तों आपको कहीं भी ध्यान नहीं देना है कि हमको सिलेबस कंप्लीट करना है, ये कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है। आपको कहीं ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है। बस दोस्तों आप इतना ही कवर कर लिए ना, अगर क्वेश्चन बैंक को ही दोस्तों पढ़ कर चले गए ना, तो आप 60+ मार्क्स आप दोस्तों आसानी से आएंगे। कि आप लोग सोचते हैं कि आपको कैसे पता कि हम इतना कर लेंगे तो हमको 60+ मार्क्स आ जाएगा। तो दोस्तों आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए पूरा, दोस्तों वो एग्जाम प्रीवियस ईयर को देख करके ही क्वेश्चन को सिलेक्ट करता है। तो आपके पास दोस्तों बहुत ही अच्छा चीज़ है कि आपके इससे पहले दोस्तों 2018 में एग्जाम हुआ है और वो टीचर्स के द्वारा ही एग्जाम कंडक्ट कराया गया है। तो 100% दोस्तों क्वेश्चन रिपीट करेगा, या रिपीट भी नहीं भी करेगा तो दोस्तों उस टाइप का क्वेश्चन पूछ भी करता है। अगर मैथ रीजनिंग पढ़े हैं, साइंस पढ़े हैं, दोस्तों घुमा फिरा कर उससे क्वेश्चन पूछता ही है। तो दोस्तों आप जैसे मैं आपका जैसे साइंस से पढ़ रहे हैं तो साइंस में दोस्तों आप थोड़ा बहुत ये कोशिश कीजिए कि मतलब थ्योरेटिकल चीज़ भी पढ़ लें। थ्योरेटिकल चीज़ के पढ़ने के बाद दोस्तों जाए तो उस बुक को पढ़िए और उसका दोस्तों जो एनालिसिस किया गया चारों ऑप्शन का उसको भी दोस्तों पूरा ध्यान में रखिएगा। और कोई भी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट जो चीज़ लगे ना उसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा और उसको बार बार देखते रहिए। दोस्तों आपको अभी जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, जिनका मार्क्स अभी कम आ रहा है, जो अच्छे तरीके से स्टडी नहीं कर रहे थे, तो उनको दोस्तों अभी आप क्वेश्चन बैंक में ही पूरा कमांड कर लीजिए। आपका दोस्तों 100% सिलेक्शन हो जाएगा। बस आपको दोस्तों मैथ रीजनिंग साइंस और करंट अफेयर्स पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना है। और दोस्तों आप इतना चीज़ कवर कर लीजिए और उसके साथ साथ दोस्तों आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए, जरूर इंप्रूवमेंट लगेगा। दोस्तों खुद आप कमेंट करके बताइए कि भैया आप अच्छा खासा तैयारी भी हो गया है, एग्ज़ाम भी दोस्तों बहुत अच्छा जाएगा, ये दोस्तों मेरा पूरा विश्वास है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, धन्यवाद।